Hello, kids. Hope you all are doing well. Today, we are going to do English grammar, chapter number 4 Pronouns. Okay, what is the name of the chapter? Pronouns. Okay, so take out your English grammar textbook, page number 15. Okay, so let's start with the chapter Pronouns. Now, you have to read along with me. Okay, the lines given here, you have to read. Okay. Read the following sentence aloud. Lucy is wearing a new frock. Lucy is playing with her ball. Lucy's dog is also playing with Lucy. Bar wo name raha hai na? Dekho Lucy is wearing a new frock. Lucy is playing with her ball. Lucy's dog is also playing with Lucy. Hai na? Haan. See the next line. Lucy is used many times in the above sentences. This makes the sentence sound odd. Bar bar Lucy word आ रहा है ना बार बार है ना सीध अभी देखो अब थोड़ा changes किया है ठीक है आप देखना आप ध्यान से देखना Let's try to make them sound better. कुछ अच्छा सुनने में आना चाहिए ना है ना तो देखो अब sentence देखना आप Lucy is wearing a new frock. She is playing with her ball. Her dog is also playing with her. है ना अब सेंटेंसेस सही बैठा ना बार बार लूसी वर्ड नहीं डाला है ना उसके बदले में क्या क्या वर्ड्स डाले she, her, her है ना ये सारे वर्ड्स डाले ना सेंटेंसेस को शॉर्ट बनाना है और सेंटेंसेस को अच्छे फ्रेम आउट करने के लिए हमें कुछ स्पेशल वर्ड्स डालने हैं है ना हाँ ठीक है अब नेक्स्ट लाइन्स रीड करेंगे ठीक है नाउ रीड द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेस वन डॉट विक्की इज माय फ्रेंड ही लाइक्स बनानस इन द सेकेंड सेंटेंस ही स्टैंड्स फॉर विक्की विक्की इज माय फ्रेंड यहाँ पे देखो विक्की कौन है मेरा फ्रेंड है अब हम वापस ये बोलेंगे विक्की लाइक्स बनानस नहीं दो बार हम वो नेम नहीं डालेंगे उसके बदले में हम क्या बोलेंगे ही ओके ही लाइक्स बनानस ठीक है अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ही स्टैंड्स फॉर विक्की ओके ही अगर आए तो समझ जाना हम ही कब डालेंगे किसी बॉय के लिए डालेंगे ही ओके कोई मेल जेंडर हो तो हम क्या डालेंगे ही ओके सी द नेक्स्ट लाइन मीना इज अ गर्ल मीना क्या है एक लड़की है तो हम क्या डालेंगे उसके लिए शी इज टेन ईयर्स ओल्ड ओके अब सेंटेंसेस सही गए ना मीना इज अ गर्ल शी इज टेन ईयर्स ओल्ड ओके इन द सेकेंड सेंटेंस शी स्टैंड फॉर मीना फीमेल जेंडर हो तो क्या डालेंगे हम शी ओके सी द नेक्स्ट सेंटेंस किटी इज अ कैट किटी जो है वो कैट है देखा कैट को इट इज स्लीपिंग इन द बास्केट इन द सेकेंड सेंटेंस इट स्टैंड फॉर द कैट ठीक है कोई भी एनिमल्स हो या थिंग्स हो तो हम क्या डालेंगे इट क्लियर ऑल ऑफ यू समझ में आया ठीक है आज हमने कुछ न्यू न्यू वर्ड्स देखे क्या क्या बताते आपको शी हर ही वापस से शी इट है ना ये जो वर्ड्स आपको मैंने अभी आपको बताया उन सबको बोलते हैं प्रोनाउन क्या बोलते हैं प्रोनाउन ओके अब हम यहाँ पर रीड करेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ओके इन दब सेंटेंसेस इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द सेम नेमिंग वर्ड्स है ना हमने कुछ कुछ नेमिंग वर्ड्स देखे देखा पहला सेंटेंस में देखा था ना कि लूसी इज वेयरिंग न्यू फ्रॉक लूसी इज प्लेइंग विथ हर बॉल लूसीज डॉग इज ऑल्सो प्लेइंग विथ लूसी बार बार नेमिंग वर्ड्स डालते तो सेंटेंस बहुत बड़ा और कुछ अजीब साउंड करता है, है ना तो उन सबको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए हम कुछ कुछ वर्ड्स हम डालते कौन से कौन से वर्ड्स डालते हैं उसको रिप्लेस करते हैं कौन से वर्ड्स रिप्लेस करते हैं ही शी इट डाल के हम रिप्लेस करते हैं ओके एंड दैट रिप्लेसिंग वर्ड्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस ओके क्लियर ऑल ऑफ यू प्रोनाउंस आर दी वर्ड्स वी यूज इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड्स नाउन के बदले में हम क्या डालते हैं ये प्रोनाउन्स को डालते हैं जिससे ये सेंटेंस अच्छे से क्लियर हो और ईजी हो जाए ओके समझ में आए सबको रेड अलॉन्ग विद मी दिस लाइन्स देखो ग्रीन बॉक्स में जो लाइन है वो रेड करो प्रोनाउन्स आर दी वर्ड्स वी यूज इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड्स नेमिंग वर्ड्स क्या है नाउन्स नाउंस के बदले में हम क्या डालते हैं प्रोनाउंस ओके क्लियर ऑल ऑफ यू कौन से कौन से वर्ड्स है ही शी एंड इट ओके क्लियर नाउ कम टू नेक्स्ट पेज पेज नंबर सिक्सटीन ओके सी द टॉप ऊपर देखो आई वी They are also the part of pronouns. Okay, he, she, it, I, we. Okay, now see the sentence. Rohit, will you help me carry these books? अब देखो टीचर क्या बोल रहे हैं रोहित देखो यहाँ पे रोहित खड़ा है ना तो रोहित को बोल रहे हैं कि प्लीज बुक्स लेके जाने के लिए मेरा हेल्प करोगे तो रोहित देखो क्या बोल रहा है Yes, मैम आई विल ओके रोहित बोल रहा है यस मैम आई विल रोहित ने ऐसे बोला यस मैम रोहित विल नो उसने क्या बोला यस मैम आई आई विल ओके सी द नेक्स्ट सेंटेंस देखो दूसरा एक बॉक्स देखो दिव्या एंड आई आर फ्रेंड्स वी प्लेट टूगेदर ठीक है देखो यहाँ पे दिव्या है ना तो दिव्या बोल रही है कि दिव्या एंड आई दिव्या है ना दिव्या एंड आई आर फ्रेंड्स हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स है ठीक है चलो अभी ग्रीन बॉक्स देखो द इम्पोर्टेंट बॉक्स वो रीड करना है आपको मेरे साथ ओके वी यूज आई वेन वी टॉक अबाउट आर सेल्स जब भी हम अपने बारे में किसी को बताते हैं तब हम क्या डालेंगे आई डालेंगे क्या डालेंगे आई सी दैक्स सेंटेंस वी रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ टू और मोर पीपल विच इंक्लूड्स द स्पीकर इसका मतलब ये है वी हम तभी डालते जब हमारे साथ दो तीन जने हो दो जने हो या तीन जने हो या फोर फाइव ठीक है तभी हम क्या डालेंगे वी अंडरस्टूड समझ में आया सबको आई हम कब डालेंगे जब हमें खुद अपने बारे में किसी को बताते है. वी कब डालते जब हमारे साथ सब हो तभी हम वी डालते ओके okay? अब जब एक्सरसाइज करेंगे तभी आपको क्लियर हो जाएगा ओके सी नेक्स्ट यू अब यू भी डालते ठीक है वी यूज यू वेन वी टॉक टू वन और मोर देन वन पर्सन यू हम कब डालते हैं? जब हम किसी और से बात करते हैं ठीक है ठीके? एक या दो या तीन जनों से बात करते हैं तभी हम यू डालते हैं ठीक है ठीके? देखो सेंटेंस देखो आप सेंटेंस देखो तब समझ में आएगा चिल्ड्रेन इट इज लंच ब्रेक यू कैन गो आउट टू प्ले आफ्टर हैविंग लंच अब देखो टीचर बोल रही है ना कि अभी लंच ब्रेक है तो आपको लंच होने के बाद खेलने जा सकते है ना ठीक है तभी हमने क्या डाला वहाँ पे यू ओके अब देखो स्टूडेंट्स ने क्या बोला थैंक यू मैम है ना थैंक यू तभी यू डाल के मैम को थैंक यू बोला है ना हाँ एक्सरसाइज द फर्स्ट ए एक्सरसाइज ओके फिल इन द ब्लैंक्स विद आई वी एंड यू फिल इन ब्लैंक्स हमें करना है लेकिन क्या यूज करके करना है आई वी एंड यू डाल के हमें ये ब्लैंक्स को जो है वो कंप्लीट करना है सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है ओके सी वन डॉट आई एम हैप्पी रीटा इज हैपी डैश आर हैप्पी आई एम हैप्पी रीटा भी खुश है अगर दो जने हैं साथ में तो हम क्या डालेंगे वी डालेंगे डब्ल्यू ई वी वी आर हैप्पी सो ऑन द ब्लैंक यू विल राइट वी वेलकम टू टू डॉट आई कैन नॉट कैरी सो मैनी बुक्स कैन डैश हेल्प मी मैं खुद अकेले बुक्स नहीं ले जा सकता तो आप किसी से पूछोगे ना तो क्या डालोगे यू डालोगे क्या डालोगे यू ठीक है कैन यू हेल्प मी क्या आप मेरा हेल्प करोगे सो ऑन द ब्लैंक यू विल राइट वाई ओ यू यू कम टू थ्री डॉट पुडिंग इज़ माई फेवरेट डैश कैन ईट अ लॉट ऑफ इट पुडिंग जो है वो मेरा फेवरेट है तो क्या डालोगे आए तो मैं बहुत सारा खा लूंगा है ना पुडिंग इज माई फेवरेट तो ब्लैंक में क्या लिखोगे ऑन द ब्लैंक वॉट राइट आई कैन ईट अ लॉट ऑफ इट एंड डॉट राम एंड आई स्विम टूगेदर राम एंड आई राम मेरा फ्रेंड जो है वो और मैं हम दोनों साथ में स्विम करते हैं डैश आर फ्रेंड्स हम दोनों फ्रेंड्स हैं ना तो हम क्या लिखेंगे वी ऑन द ब्लैंक विल राइट वी आर फ्रेंड्स राम एंड आई स्विम टूगेदर वी आर फ्रेंड्स ओके नो फाइव डॉट तुलिप एंड आई विल गो टू द मार्केट तुलिप जो मेरा फ्रेंड है तुलिप वो और मैं हम कहाँ जा रहे हैं मार्केट जा रहे है ना डैश वी विल गेट टॉफिस फॉर एवरी वन हम सब के लिए टॉफिस भी लेकर आएंगे सो so, क्या लिखेंगे हम वॉट यू विल राइट वी ऑन द ब्लैंक यू हैव टू राइट वी नो लेट्स रीड द सेंटेंस टू लिप एंड आई विल गो टू द मार्केट. वी विल यानी हम दोनों जो है दूसरो के लिए क्या लेकर आएंगे चॉकलेट्स वी विल गेट फॉर एवरी वन अंडरस्टेड ऑल ऑफ यू आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया है? क्या है वॉट यू हैव टू राइट ऑन द ब्लैंक्स आई वी एंड यू डाल के आपको सेंटेंसेस को क्लियर करना है ओके वेलकम टू नेक्स्ट पेज आप नेक्स्ट पेज में आ जाओके okay. सी द ग्रीन इम्पॉर्टेंट बॉक्स क्या है वो आपको देखना है बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू शुड रिमेंबर ओके ही शी इट दीज आर प्रोनाउंस ओके वी यूज ही इन प्लेस ऑफ द नेम ऑफ अ मैन और अ बॉय कोई भी मैन हो या कोई भी बॉय हो तभी हमें क्या डालना है ही he. प्रोनाउन he डालना है ओके कम टू नेक्स्ट वी यूज शी इन प्लेस ऑफ द नेम ऑफ अ गर्ल और अ वुमेन कोई भी वुमेन हो या कोई भी गर्ल हो कोई लड़की हो या कोई औरत हो तो हमें क्या डालना है शी अंडरस्ट शी डालना है ओके सी द नेक्स्ट वी यूज इट इन प्लेस ऑफ द नेम ऑफ अ थिंग अ बर्ड और एन एनिमल अभी इट हम कब डालेंगे कोई भी थिंग हो ठीक है थिंग फॉर एग्जाम्पल बुक पेंसिल एक्सेट्रा ऐसा कुछ भी हो कोई भी थिंग्स हो तभी हमें इट डालना है कोई भी बर्ड का नाम आ जाए है ना पीजियन डक तभी भी हम इट डालेंगे कोई एनिमल का नेम आ जाए हाँ एनिमल में टाइगर लायन एलिफेंट कोई भी एनिमल का नेम आ जाए तो हमें क्या डालना है इट अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू सबको समझ में आ गया ही आप कब डालोगे कोई भी मैन या बॉय हो तभी हमें क्या डालना है ही शी आप कब डालोगे कोई भी गर्ल या वुमन हो तो हमें शी डालना है एंड कोई भी थिंग बर्ड एनिमल ऐसा कुछ भी आए तभी हमें क्या डालना है इट क्लियर ऑल ऑफ यू ये आपको समझ में आए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है ओके नाउ कम टू बी एक्सरसाइज लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल्म द ब्लैंक्स विद प्रोनाउंस अब क्या करना है आपको यहाँ पे देखो बहुत सारे पिक्चर्स दिया हुआ है, है ना तो अभी आपको क्या डालना है उसमें प्रोनाउन्स डालना है ही शी इट डालना है ठीक है अब सीधा फन डॉट देखो ये देखो कौन है एक मैन है ना देखो क्या मैन है ही इज अ पोस्ट मैन तो ब्लैंक में देखो क्या लिखा ही ही इज अ पोस्ट मैन देखा सबने ओके वेलकम टू टू डॉट देखो ये कौन है यस yes, नर्स है तो अब हमें प्रोनाउन डालना है है ना तो क्या लिखोगे ब्लैंक में शी इज अ नर्स सो यू विल राइट शी ऑन द ब्लैंक शी इज अ नर्स ओके नाउ कम टू थ्री डॉट सी अ गर्ल इज स्टैंडिंग देयर सो व्हाट यू विल राइट शी इज अ गर्ल ओके शी इज अ गर्ल सो ऑन द ब्लैंक यू विल राइट शी कम टू फोर डॉट वो कलफ बेलून इज इट यस सो मैंने क्या बोला कोई भी थिंग हो तो हमें क्या डालना है एट वेरी गुड सो ऑन द ब्लैंक यू विल राइट एट इज अ बेलून क्लियर नाउ कम टू फाइव डॉट हाँ देखो ये देखो कौन है ये मंकी है मंकी एनिमल सो व्हाट यू विल राइट एट वेरी गुड इट इज अ मंकी नाउ कम टू नेक्स्ट सिक्स डॉट देखो यहाँ पे कौन है कौन सी एक मैम खड़ी है ना है ना लेडी मैम खड़ी है ना वुमेन है ना तो क्या आएगा शी वेरी गुड शी इज अ टीचर सो ऑन द ब्लैंक यू विल राइट She. Come to seven dot. Yes, who is? He is a man and he is a sweeper. They can karana. So, what you will write? He on the blank you will write. He. He is a sweeper. Okay. Now, come to eight dot. See, the man is singing here. So, he is a singer. So, on the blank you will write. ही क्लियर ऑल ऑफ यू सबको ये समझ में आया ये एक्सरसाइज नो कम टू नेक्स्ट सी डॉट अंडरलाइन द करेक्ट प्रोनाउन एन ईच सेंटेंस यहाँ पे सेंटेंसेस दिया हुआ है आपको क्या करना है करेक्ट जगह पे प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है ओके सी वन डॉट ही और शी इज माई सिस्टर सिस्टर यानी बहन है तो क्या डालोगे बहन है तो शी तो आपको शी पे अंडरलाइन करना है ओके कम टू टू डॉट ही और इट इज गोइंग टू स्कूल कोई स्कूल जा रहा है ना मैंने तो आपको याद दिलाया था ही हम कब कब डालते हैं? कोई मैन हो या बॉय हो इट हम कब डालते हैं? एनिमल थिंग बर्ड्स ऐसा कुछ हो तो हम इट डालते हैं ना अब ये सेंटेंस देखो क्या बोल रहा है इज गोइंग टू स्कूल है ना कोई स्कूल जा रहा है तो क्या आएगा ही आएगा ठीक है क्या डालोगे ही इज गोइंग टू स्कूल ओके अगर हम इट डालते तो सही बैठता नो no. इट डालोगे तो सही नहीं जाएगा क्यों क्योंकि इट हम कब डालते इफ इट इज अ एनिमल थिंग और बर्ड्स ओके

पेट डॉग एनिमल है तो हम क्या डालेंगे एट या ही डालेंगे एट डालेंगे वेरी गुड सो यू हैव टू अंडरलाइन बिलो एट क्लियर ऑल ऑफ यू नव कम टू फाइव डॉट इट और शी इज अ बैट बैट है बैट ए थिंग है सो वेर यू वेल पुट दी अंडरलाइन ऑन दी एट ठीक है एट के नीचे आप डालोगे अंडरस्टंड क्लियर न सिक्स डॉट ही और एट इज एन ऑरेंज ऑरेंज एक फ्रूट है सो वेर यू विल पुट दंडरलाइन ऑन दी एट इट पे आपको अंडरलाइन करना है क्लियर ऑल ऑफ यू होप यू अंडरस्ट द यूसेज ऑफ प्रोनाउन्स ही शी एट आई यू वी ओके ये सब क्या है प्रोनाउंस है ओके सो वॉट इज योर होमवर्क यू हैव टू गो थ्रू दिस वीडियो ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से देखना है ओके पी डी एफ इज ऑल्सो अटैच्ड सो यू हैव टू कॉपी डाउन एक्सरसाइज ए बी सी इन योर इंग्लिश ग्रामर टेक्सट बुक पेज नंबर सिक्सटीन सेवेंटी नाइन एटीन ओके यू हैव टू डू इट ओके गो थ्रू दिस वीडियो प्रॉपरली ओके